हे गाइस, दिस इज ट्रिकी धर्मेंद्र यूट्यूब चैनल। तो बेसिकली गाइस, आज हम बात करने वाला है क्रेडिट कार्ड का मनी हम लोग किस तरह से बैंक अकाउंट तक ले सकते हैं। गाइस बता दो, ये वीडियो जो बनाया जा रहा है वीओडी के ऊपर ये वीडियो बनाया जा रहा है, यानी इस वीडियो का डिमांड आया था तो इस वीडियो वीओडी के ऊपर ये बनाया जा रहा है। गाइस जो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गाइस मैं बता दूं कि ये जो ट्रिक है आप सबको चार्जेबल ट्रिक है, जो कि इनका पैसा फंस गया है 40,000 रुपया। ये रियल है या फेक है हमको नहीं मालूम, बट जो कमेंट आया था मैं इस कमेंट के ऊपर ये वीडियो को पब्लिक कर रहा हूँ। तो गाइस अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो देखने के लिए तो आप सब कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप इंटरेस्टेड नहीं है चार्जेबल वीडियो के लिए तो इधर ही आप सब एस्केप कर सकते हैं। तो छोड़ सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन को और दिखाता हूँ किस तरह से हम लोग क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो गाइस मैं फाइनली आज अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर पहुंच चुका हूं प्ले स्टोर में। गाइस प्ले स्टोर में आने के बाद आपको DGOS के वॉलेट जो है आपको सर्च कर लेना है, जो कि इस वीडियो का डिमांड आया था तो इस डिमांड के ऊपर मैं इस वीडियो को पब्लिक कर रहा हूं आप सबके सामने। तो गाइस सबसे पहले DGOS के वॉलेट जो ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आप गाइस इंस्टॉल सबसे पहले इसको कर लेना है। तो चलो फाइनली मैं इसको एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा हूँ, चलो मैं सबसे पहले इसको ओपन करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं ओपन पे क्लिक कर दिया। तो गाइस जैसे आप क्लिक करें तो आपको जो साइनअप का ऑप्शन है, अगर आप लोग साइनअप करना नहीं चाहते हैं तो आप सब हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं ऑलरेडी किस तरह से इसका साइन इन होता है पर नहीं रजिस्टर किस तरह से होता है तो आप लोग पूरा प्रोसेस जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपको विजिट करना पड़ेगा ताकि आपको उसमें मालूम पड़ जाए। या तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो का लिंक जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे तो आप लोग उधर से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जान सकते हैं। तो कैसे सबसे पहले हमको, चलो अभी मैं ऑलरेडी इस वॉलेट को रजिस्ट्रेशन करके रखा हूं तो अभी हमको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूं। तो कैसे कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप जो 6 digit का एम पिन बनाए रहेंगे वही एम पिन से ये वॉलेट ओपन होता है। चलो फाइनली मैं अपना एम पिन इधर डाल देता हूं। तो गाइस फाइनली मैं अपना एम पिन इधर डाल देता, गाइस देखेंगे आपके सामने आपका DGOS के वॉलेट जो है ओपन हो जाएगा, जिसमें इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। गाइस मैं बता दूं कि इसका जो मैं स्क्रीनशॉट ऑलरेडी मॉर्निंग में ही शेयर कर दिया था आप सबके साथ कि ये ट्रांजेक्शन यानी सक्सेसफुल हो रहा है और आप लोग क्रेडिट कार्ड का पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस फाइनली एक हमारे एक सब्सक्राइबर उनका जो पैसा फंस गया, तो गाइस अगर आप सबको पैसा अगर फंसा हुआ है अदरवाइज आप लोग ट्रांसफर करना चाहते हैं DGOS के वॉलेट से क्रेडिट कार्ड का मनी तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस लोड मनी पर क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं लोड मनी पर क्लिक कर देता हूँ। तो लोड मनी पे क्लिक करने के बाद इधर देखें आपका लोड मनी का ऑप्शन आ गया, जिसमें आप जितना भी चाहते हैं इधर लोड मनी पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 10 रुपये डाल दिया, उसके बाद आपको लोड मनी पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं लोड मनी पे क्लिक कर दिया। जो लोड मनी पे क्लिक करने के बाद मैं बता दूं कि इसमें 3% यानी चार्ज आपको भरना पड़ेगा। तो कैसे देखेंगे इधर कन्फ्रेंस फी जो है 3% है, यानी 3 पैसा आपको 1,000 रुपये आपको 30 रुपया देना पड़ेगा, उसके बाद जाकर आप क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इतना पैसा देने के लिए तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, अदरवाइज आप लोग लाइव देखना चाहते हैं तो आप देखिए मैं पूरे लाइव आपको दिखलाऊंगा कि किस तरह से हम लोग DGOS के वॉलेट का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। जो वो भी लोड मैं बता दूं कि जिस टाइम आप लोड करेंगे क्रेडिट कार्ड का मनी उसी टाइम आपको चार्ज भरना पड़ेगा, अदरवाइज जब ट्रांसफर करेंगे तब उसके बाद आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, लेकिन लोड करने वक्त में आपको 3% आपको चार्ज इधर भरना ही पड़ेगा। गाइस मैं देखेंगे ऑलरेडी मैं जो है इधर लोड मनी करके रखा हूँ, तो चलो मैं सबसे पहले अभी बैक हो जाता हूँ। तो गाइस देख मेरा जो वॉलेट में अभी 48 रुपीज़ है, तो मैं यही बैलेंस को आपको ट्रांसफर करके दिखलाऊंगा कि किस तरह से भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है। गाइस आपको करना क्या है, ये जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है आपको किसी कॉपी पर लिख लेना या तो किसी मोबाइल से इसको पिक्चर खींच लेना है, या तो इधर से अभी देखेंगे कॉपी का ऑप्शन आता है इसको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपको चलना है एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो एयरटेल पेमेंट बैंक इस DGOS के वॉलेट जो वर्चुअल डेबिट कार्ड है इसका एक्सेप्ट करता है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो चलो चलते फाइनली मैं एयरटेल पेमेंट बैंक में। तो गाइस मैं फाइनली अभी आ चुका हूँ एयरटेल पेमेंट बैंक में। गाइस एयरटेल पेमेंट बैंक में आने के बाद आपको आपको ऊपर में जो मनी शो हो जाएगा उस मनी पे आपको क्लिक कर देना है। चलो फाइनली मैं इस मनी पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस मनी पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें एक आता है सेंड मनी का, दूसरा आता है एड मनी का। अगर आप लोग का 100, 200 या 500 रुपये अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपका 500 या 600 से अगर यानी 500 से एक्स्ट्रा अगर आप लोग लोड मनी करना चाहते हैं आपको अदर पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं अदर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे आप अदर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो आप जितना अमाउंट डालेंगे वो ऑप्शन आपका आ जाएगा। चलो फाइनली हमको 48 रुपीज़ है हमारे DGOS के वॉलेट में, तो चलो फाइनली मैं 48 रुपीज़ इसमें फिल कर दिया हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको नीचे की तरफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप सेलेक्ट करते इधर देखें एक ऑप्शन आ जाएगा न्यू डेबिट कार्ड का, तो चलो फाइनली मैंने न्यू डेबिट कार्ड भी क्लिक कर दिया। तो उसके बाद आपका जो DGOS के वॉलेट में जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड मिला है वही वर्चुअल डेबिट कार्ड का नंबर आपको इधर कार्ड नंबर, उसके बाद आपको कार्ड का क्या नाम है वो नाम डाल दीजिएगा, जो कि उसमें आपका पर्सनल नाम रहता है तो जिसके नाम से आप कार्ड बनाए रहेंगे वही नाम इधर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको एक्सपायरी डेट CVV कोड डालना है, उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं ये सब अपना फिल कर देते हैं।
तो गाइज फाइनली मैं अपना कार्ड नंबर, अपना नाम और एक्सपायरी डेट से भी कोड फिल कर दिया हूँ गाइज। उसके बाद आपको पे नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं इधर पे नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज फाइनली मैं पे नाउ पे भी क्लिक कर चुका हूँ। तो गाइज देखेंगे मेरा जो प्रोसेस है ये आगे की तरफ चल चुका है, यानी प्रोसेस मेरा भी हो रहा है। तो चलो फाइनली मैं इसको प्रोसेस पूरा होने देता हूँ। गाइज मैं बता दूँ कि ये प्रोसेसिंग फी अभी देखेंगे, अगर आपके पास ये कार्ड ये काम नहीं करेगा तो आपको डायरेक्ट इधर देखेगा क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है, बट हमको अभी जो है इधर यानी ओटीपी का एक ऑप्शन आ चुका है। चलो फाइनली मैं ओटीपी का इंतजार कर लेते हैं, जो कि ओटीपी के थ्रू ये मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा। चलो फाइनली मैं ओटीपी का इंतजार करेंगे, जो कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। तो गाइस देखिए हमारे एक फेडरल बैंक की तरफ से ओटीपी आ चुका है। तो चलो ये ओटीपी इधर इधर फिल कर देता है। तो गाइज मैं फाइनली ओटीपी भी इधर फिल कर चुका हूँ। गाइज उसके बाद हमको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। चलो फाइनली मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। तो गाइज फाइनली मैं सबमिट पे भी क्लिक कर दिया हूँ। तो गाइज देखेंगे जो मेरा ये कुछ ही सेकंड में ये मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आप सब इस तरह से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। गाइज देखेंगे मेरा फाइनली ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो गाइज आप सब इस तरह से क्रेडिट कार्ड का मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, बट इसमें 3% चार्ज लगेगा। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं तो आप 3% दे के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। गाइज मैं बता दूँ कि जब भी आप कोई भी ट्रिक यूज करते हैं तो आप मिनी यानी छोटा अमाउंट से चालू कीजिए। जब आपको छोटा अमाउंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो जगह आप बड़ा अमाउंट का प्रयास कीजिएगा, यानी ट्रांसफर करने की कोशिश कीजिएगा। कभी कभी होता क्या है, कभी ये क्रेडिट कार्ड का ट्रिक अगर हम लोग अपलोड करते हैं तो कभी आप भी काम कर रहा है और कभी एक घंटा बाद काम नहीं करता है, या दो घंटा बाद काम नहीं करता है, या दो दिन काम करता है चौथा दिन काम नहीं करता है। तो आप सब इस तरह से पहले छोटा अमाउंट का ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लें, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आप सब बड़ा अमाउंट का फैसला लें। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद, जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए तो जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।